हेलो फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन आ रहे हैं कि मैम आप कौन सी बुक प्रीफर करते हैं। तो इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप पहली ही बार में TGT, PGT या किसी भी होम साइंस की परीक्षा में एक बार में सफलता कैसे प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आप पहले मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे। तो हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि सबसे पहले आप जिस भी परीक्षा को देने जा रहे हैं तो आप उसका पहले सिलेबस को प्रिंट आउट करवा के अपने पास रख लें। ये देखिए, जैसा कि मैंने किया है कि ये जो है आपका ये जो सिलेबस है उसको आप प्रिंट करवा के रख लीजिए, फिर उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी पूरी तैयारी करिए। और इससे पहले आपको क्या करना होगा, और इसके पहले आपको क्लास जो है 6 से लेके 12 तक की जो बुक है उसके सभी चैप्टर को कम्प्लीट करना होगा। जैसे कि आपकी 9th क्लास की ये बुक है, इसको आपको पूरा पढ़ना होगा, और ये 10th क्लास की बुक है इसको, और ये 12th क्लास की ये जो बुक है इसको आपको पूरा कंप्लीट करना होगा। क्योंकि किसी भी कंपटीशन में 30% जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक के आते हैं, तो आपको इसके सभी के चैप्टर जो है क्लियर होने चाहिए। फिर आपको क्या है कि अपने सिलेबस पे फोकस करना होगा, और जो जितनी भी इसमें यूनिट दी हुई है उसको आपको क्लियर करना होगा। जिस भी बुक में आपको अच्छा दिखाई दे उस बुक से आपको पढ़ना होगा। जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, पौष्टिकता की संकल्पना, तो आप ये टॉपिक चाहे जहाँ से, चाहे आप YouTube से सर्च करके, या आपकी जिस बुक में अगर आपके पास बुक है तो उस बुक से आप अच्छे से इसको क्लियर करेंगे। तो जब आप पौष्टिकता की संकल्पना पढ़ लिए तो ये टॉपिक पे आप पूरी नोट्स बना लीजिए, याद कर लीजिए। फिर आप आएंगे आहार की संरचना क्या होती है, फिर उसके कार्य क्या होते हैं, एक एक चीज़ आप ऐसे ही अंडरलाइन करते जाइए कि मेरा ये कंप्लीट हो गया, आहार के वर्क कंप्लीट हो गए। इसी तरह सब सब्जेक्ट में, जैसे गृह प्रबंध है तो गृह प्रबंध का अर्थ क्या है, पहले मैंने अर्थ पढ़ लिया है, उसकी परिभाषाएं पढ़ लेंगे, फिर इस तरह से आप इसको क्लियर करते जाएंगे। जैसे कि मेरा LT ग्रेड का सिलेबस है और इसमें हमें चाइल्ड डेवलपमेंट को कवर करना है, तो इसके लिए जैसे कि ये बुक है आपकी, ये बाल विकास की नीता अग्रवाल की बुक है, लेकिन आप ये सोचिए कि LT ग्रेड का पूरा सिलेबस इसमें है, तो वो नहीं है, इसको आपको देखना पड़ेगा। इसमें टॉपिक वाइज आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि ये है कि ये तो आपका LT ग्रेड में है, अब पता चला आपने ये बुक ले ली और इसे पूरा पढ़ लिया, तो आपका आपको एग्ज़ाम में इससे कुछ भी प्रॉफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका इससे टाइम लॉस होगा और आपको इससे क्वेश्चन भी ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। देखिए, जैसे कि ये यूनिट है तो ये आपकी LT में है, विकास की विभिन्न अवस्थाएँ या विकासात्मक कार्य, तो ये LT में है, तो ये चैप्टर पढ़ना होगा। फिर आपको जैसे ये वाला है, ये दिया हुआ है आपका पूरे गर्भकाल में विकास की विभिन्न अवस्थाएं, डिम्बावस्था, भ्रूणत, ये, तो इस तरह आप पूरी बुक को ना पढ़ के जो आपका हो उसे टाइप, ये आपका LT ग्रेड में है, तो इस तरह मैंने मतलब लगा रखे हैं। और आपको मतलब जब हम पढ़ाते हैं तो वो किसी एक बुक से सारा जो है कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता, जैसे कि ये आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक थी, अब ये भी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो है बुक है विशिष्ट बालक, ये आभा रानी बिष्ट की है, तो इसमें जितने भी एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस हैं वो सारे टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। तो इतने सारे इस बुक में इतने सारी एक्सेप्शनल चिल्ड्रंस के वो लिया हुआ, लेकिन हमें पढ़ना क्या है, तो LT में हमें केवल ये यूनिट पढ़नी है और ये यूनिट पढ़नी है, फिर आपकी ये वाली पढ़नी है स्पीच डिफिशेंसी, फिर इस तरह ये हैं, तो इस बुक से केवल 4 आपको पढ़नी है और ये 4 आपकी इसमें नहीं मिलेगी। अब आप ये सोचें कि इस नीता अग्रवाल की बुक में ये टॉपिक मिल जाएंगे, नहीं, और आप कोई भी यूनिट छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि इस वजह से कि कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा टफ हो गया है, हम कोई भी यूनिट जो भी हमारे सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक भी यूनिट नहीं छोड़ सकते, क्योंकि कंपटीशन का बेस हमेशा वही बनता है जो टफ क्वेश्चन होते हैं, और जिसके सारे ही सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक क्लियर होते हैं उसी के सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये है आपकी PD पाठक की बुक है और इसमें आपका ये टॉपिक आपका वंशानुक्रम व वातावरण बहुत ही अच्छे से समझाया गया है, ये आपका तो, और ये मूल प्रवृत्ति, दो टॉपिक इसमें बहुत ही अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया गया है, तो हम इस बुक को प्रीफर करेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा विस्तृत से अच्छे से इसमें समझाया गया है। अब यहाँ पे देखिए कि ये आहार एवं पोषण विज्ञान की बुक है अनीता सिंह की, और इसमें जो है आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जैसे कि ये है LT में आपका आएगा फूड प्रिजर्वेशन टॉपिक है, ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन टॉपिक है, तो ये सारे हो गए आपके, और फिर ये इसमें से नहीं पढ़ना है, फिर आपको यहाँ पर पढ़ना है, ये देखिए ये मधुमेह जो है वो TGT का टॉपिक था आपका, ठीक है,
और ये गुर्दे संबंधी बीमारी भी आपकी TGT की थी। तो इस तरह हम कभी भी बुक से ज़्यादा हम उसको प्रेफरेंस देंगे कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारे सिलेबस में यूनिट क्या दी हुई है। तो हम किसी बुक पे ना ध्यान देके हमें ये कवर करना है कि हमारे जितने भी टॉपिक हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारे ही कवर होने चाहिए। ये आती है आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन की बुक है मंजू पाटनी डॉक्टर हरपलानी की। तो इसमें भी हम देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपके LT के हैं और TGT के हैं। तो ये देखिए आपके LT में ये है, आपका ये टॉपिक है। LT में आपका कम्युनिकेशन भी है, संचार के तत्व भी आपका है, फिर LT में आपका सामुदायिक विकास कार्यक्रम भी है, और फिर आपका LT में महिला सशक्तिकरण भी है। तो इस तरह मतलब ये पूरी बुक हमें नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ इसमें से क्या टॉपिक हमारे सिलेबस में उसे पढ़ना है। ऐसे ही होम मैनेजमेंट की बुक है मंजू पाटनी की और एवं डॉक्टर ललिता शर्मा की। तो ये बुक बहुत ही अच्छी है, और लेकिन हम ये फिर भी ये नहीं कहेंगे कि केवल एक ही बुक से आपका पूरा कंपटीशन सॉल्व हो जाएगा। इसमें कुछ मैटर होंगे जो इस बुक से होंगे और कुछ अदर से लेने पड़ेंगे। जैसे LT ग्रेड में आपका ये टॉपिक है मानव विकास की थ्योरीज। तो अभी हमने जो चाइल्ड डेवलपमेंट की आपको 3 बुक दिखाई उसमें ये थ्योरीज नहीं दी हुई है। तो हमें भी हमने क्या किया कि फिर ये थ्योरीज हमको जीरोक्स करानी पड़ी जिस भी बुक में थी। तो ये देखिए मैंने इसको पूरा जीरोक्स करा के रखा है, ठीक है, और ये सारे थ्योरीज हैं इसमें दी हुई हैं। फिर आपका ये PRA मेथड क्या है, टेक्निक क्या है, तो इसको भी मैंने जीरोक्स करा के रखा है। तो बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं कि जो हमें खुद नहीं मिल पाते और फिर मैं अदर बुक से उसको जो है जीरोक्स करा के अपने पास ये मैटर कलेक्ट करती हूँ। तो इस तरह मैं आपको बहुत सारे टॉपिक आपको अपने चैनल पर दूंगी। तो और मेरा काम केवल यही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कराना। फिर अगर आप कोई बुक कहते हैं तो आप इसमें से कोई भी बुक ले सकते हैं, वो आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन फिर भी बहुत सारे मैटर आपको नहीं मिलेंगे और हमें कोई भी मैटर एग्ज़ाम में नहीं छोड़ना है। यहाँ पर जैसे कि इंश्योरेंस सेक्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो नहीं है बुक में अवेलेबल था तो उसको कराया गया, और इस तरह से ये सारे मैटर जो किसी एक बुक में मिलना कठिन होते हैं तो उन सबको जीरोक्स करा के रखना पड़ता है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जब भी तैयारी करिए तो आप अपने सिलेबस पर फोकस करिए कि मेरे सिलेबस के सारे पॉइंट क्लियर हो हमें। ये आपकी टेक्सटाइल की बुक है डॉक्टर श्रीमती परिमला वर्मा, ये भी बहुत ही अच्छी बुक है, लेकिन फिर भी आपको सारी यूनिट इसमें नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको बाहर से सर्च करनी पड़ेगी। ये बुक है UGC नेट के लेवल की, इसका फ्रंट नहीं है, और ये देखिए इसमें से जो भी TGT PGT या LT ग्रेड के लेवल के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन आंसर होते हैं वो मैं आपको सॉल्व कराती हूँ। ये इस बुक, ये फूड न्यूट्रिशन की बुक है, लेकिन इसमें इतने अच्छे से डिस्क्राइब नहीं किया गया जितना अच्छे से इसमें किया गया है। तो फिर जो है इसमें जो है कम शब्दों में अच्छी से डिस्क्राइब कर दिया गया है, तो ये LT के लिए मैं इसे प्रेफर करती हूँ। ये है सॉल्व पेपर है आपका UGC का, इसमें से भी मैं प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराया करती हूँ कि जो भी इजी होते हैं, जो TGT और PGT लेवल के होते हैं वो पेपर मैं आपको इसमें सॉल्व कराती हूँ। तो इतनी सारी बुक के होने के बाद भी बहुत सारे मैटर होते हैं जो मुझे जो है कंप्लीट करने पड़ते हैं अदर जगह से। तो इस वजह से मतलब एक बुक से आप किसी कंपटीशन में नाम लाना बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। बस ये होता है कि आप अपना जो भी आपके पास वो है सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करिए, और आपको मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज सारे ही जो है क्लियर होंगे। तो टॉपिक वाइज सारे चैप्टर क्लियर होंगे तो आप जो है मेरे चैनल को प्रीफर करिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए ये मेरी नोट्स है जिसे मैं लिखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक हैं जो सही से नहीं बताए रहते। तो मैं बस लास्ट में ये कहना चाहूँगी कि मैं LT ग्रेड के टॉपिक वाइज सारे ही टॉपिक मैं आपके क्लियर करूँगी। तो आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।